सब्सक्राइब कीजिए बाबाज ऑनलाइन वर्ल्ड को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बाबाज ऑनलाइन वर्ल्ड। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप टाटास्काई स्टेटस बॉक्स में रिमाइंडर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना चैनल खोलना पड़ेगा जिसमें आपको रिमाइंडर लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको कपिल शर्मा का रिमाइंडर लगा के दिखा देता हूँ। कपिल शर्मा अभी आने वाला है 10:40 पे और अभी आप ऊपर क्लॉक में देख सकते हैं 10:27 हो रहे हैं। तो मैं आपको रिमाइंडर लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको कपिल शर्मा चैनल ओपन करना पड़ेगा। जिस चैनल पे कपिल शर्मा आता है वो चैनल आपको ओपन करना पड़ेगा। और कपिल शर्मा चैनल मेरे पे आता है सेट HD पे और सेट पे। तो मैं आपको सेट HD पे इसका रिमाइंडर लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेट HD पहले लगा लेता हूँ। सेट HD का नंबर है 128। तो मैं यहाँ पे 128 पहले लिखूँगा और ये सेट HD लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आ रहा है इंडियन आइडल और आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं नीचे 10:42 आएगा कपिल शर्मा शो। तो मैं इसको रिमाइंडर लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट का बटन ये होता है बीच वाला, इस पर आप एक बार क्लिक करिए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इंडियन आइडल आ रहा है और कपिल शर्मा का हमें रिमाइंडर लगाना है। तो मैं फिर से कर देता हूँ, ये हट गया है, सिलेक्ट करा मैंने और यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे। ये ब्लू आपको एक स्ट्रिप दिख रही होगी ब्लू कलर की, इसको आपको नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे वाले एरो पे क्लिक करना होगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा फिर आपको इस पर एक बार सिलेक्ट करना होगा। एक बार जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, पूरी स्क्रीन आपको ये इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे रिमाइंडर का दिख रहा होगा, ये साइड में रिमाइंडर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, इस पर आप सिंपली एक बार सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर लग जाएगा। अभी रिमाइंडर लग तो गया है लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो आने वाला है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा हमें वेट करना होगा, अभी 10:40 में थोड़ा टाइम है और रिमाइंडर हमारे जो हमने लगाया है एपिसोड पे उससे 4 मिनट पहले आ जाता है रिमाइंडर। तो मतलब कि 10:40 पे हमने लगाया है तो 10:36 पे रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं अभी वीडियो स्किप करने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 10:35 हो गए हैं और 10:36 होने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी रिमाइंडर आने ही वाला है, थोड़ा अभी वेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रिमाइंडर आ चुका है हमारी स्क्रीन पे और ये 10:37 पे आया है, मतलब कि 3 मिनट पहले। तो अभी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ये जब 10:40 होंगे तो ये अपने आप ही चैनल हटके कपिल शर्मा शो लग जाएगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना रिमोट पे ब्लू बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे ब्लू बटन कई सारे दिखेंगे लेकिन आपको यहाँ साइड में जो सर्कल वाला ब्लू बटन है उसको आपको प्रेस करना होगा। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा रिमाइंडर। अभी थोड़ा फिर से आपको वेट करना पड़ेगा और ये आप देख सकते हैं ये अपने आप ही हमारा कपिल शर्मा शो लग चुका है। हालांकि अभी आया नहीं है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर आ चुका है कपिल शर्मा शो। पहले इंडियन आइडल ऊपर आ रहा था, अब ये कपिल शर्मा शो ऊपर आ गया है। टाइम तो कपिल शर्मा का पूरा हो चुका है लेकिन अभी ये आया नहीं है, तो ये आने ही वाला है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे कपिल शर्मा शो आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर और साथ ही साथ में कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपको कोई क्वारी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।